हमारे शास्त्रीय संगीत में जयपुर अतरौली घराने का बड़ा नाम है। अच्छा, उस्ताद अल्लाहदिया खां को इस घराने की शुरुआत करने वालों में गिना जाता है। आज हम जिन महान गायिका का जिक्र करने जा रहे हैं, उनकी बात बिना उस्ताद अल्लाहदिया खां की बात किए पूरी नहीं हो सकती। हम आज बात करने जा रहे हैं केसरबाई केरकर की। उस्ताद अल्लाहदिया खां भारतीय शास्त्रीय संगीत गायकी का बड़ा नाम माना जाते हैं। कहा जाता है उनका रियाज बड़ा कठोर होता था और वो बेहद दुर्लभ और कठिन रागों को गाया करते थे। ऐसा कहा जाता है कि एक बार की बात है, उनके पास एक शादीशुदा जोड़ा पहुंचा। पति की इच्छा थी कि उनकी पत्नी को अल्लाहदिया खां साहब शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाएं। ऐसा नहीं है कि शास्त्रीय संगीत सीखने का शौक उस महिला को नया नया लगा था। उन्होंने पहले भी कई बड़े नामों से शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सीखी थी। अब उनकी इच्छा थी कि वो इस कला में और पारंगत हो जाए, लिहाजा वो लोग उस्ताद अल्लाहदिया खां के पास पहुंचे थे। उस्ताद अल्लाहदिया खां ने पहले तो उस महिला कलाकार को मना कर दिया, लेकिन फिर बाद में कुछ सोच समझकर शर्तें रखी और कहा कि अगर शर्तें पूरी हो जाएंगी तो वो उस महिला कलाकार को सिखाएंगे। अब ये कोई ऐसी वैसी शर्तें नहीं थी, बेहद मुश्किल और खासी पेचीदा थी। उस्ताद अल्लाहदिया खां की पहली शर्त थी कि वो उस महिला कलाकार को तभी सिखाएंगे जब वो कम से कम 10 साल तक उनसे सीखे। उस्ताद अल्लाहदिया खां को 10 साल तक सिखाने की फीस पहले ही दे दी जाए, चाहे वो कलाकार अंत तक सीखे या ना सीखे। उस जमाने में उस्ताद जी ने अपने लिए 200 रुपए हर महीने की फीस तय की थी। अंत में जब उन्हें 5,000 रुपए की रकम मिल गई, तब उन्होंने महिला कलाकार को सिखाने के लिए हामी भरी। वो महिला कलाकार थी भारतीय शास्त्रीय संगीत की दिग्गज कलाकार केसरबाई केरकर। केसरबाई केरकर का जन्म 13 जुलाई 1892 को गोवा के पणजी के पास के एक गांव केरी में हुआ था। बचपन में आसपास के मंदिरों में होने वाले भजन कीर्तन की आवाज उनके कानों में बसती चली गई। धीरे धीरे वो उन धुनों को गुनगुनाने लगी। घर में मामा थे जिन्हें गाने बजाने का बड़ा शौक था। उन्होंने छोटी सी बच्ची को संगीत सीखने की प्रेरणा दी। शुरुआत पास के मंदिर के पुजारी से हुई। फिर जब वो 8 साल के हुई तो उन्हें उस्ताद अब्दुल करीम खान ने शास्त्रीय संगीत की बारीकियां सिखाना शुरू किया, लेकिन ये सिलसिला ज्यादा लंबा नहीं चला। दरअसल केसरबाई उस्ताद अब्दुल करीम खान से संगीत सीखने के लिए कोल्हापुर में रहने लगी थी, लेकिन फिर कुछ पारिवारिक वजहों से उन्हें वापस गोवा आना पड़ा और संगीत की शिक्षा रुक गई। लेकिन जल्दी ही उन्होंने रामकृष्ण बुआ से सीखना शुरू किया। ये सिलसिला भी 4-5 साल ही चला। केसरबाई केरकर को अपनी माँ और मामा के साथ बॉम्बे आना पड़ा। यहाँ उन्होंने कुछ समय तक सितार वादक उस्ताद बरकतुल्लाह खां से शास्त्रीय गायकी सीखी। इतने गुरुओं के पास सीखने के बाद केसरबाई केरकर उस्ताद अल्लाहदिया खां साहब के पास पहुंची थी। इस दौरान उनका विवाह भी हो गया था। शायद यही वजह भी थी कि उस्ताद अल्लाहदिया खां ने केसरबाई केरकर को शिष्या बनाने से पहले कई कठिन शर्तें रखी थी। एक कठिन शर्त यह भी थी कि केसरबाई केरकर जब भी शास्त्रीय कार्यक्रमों में गाएंगी अपने गुरु के साथ ही गाएंगी। खैर, इन मुश्किल शर्तों के बीच केसरबाई केरकर ने शास्त्रीय संगीत की दीक्षा ली। उन्होंने अपने गुरु के साथ ही कार्यक्रम किए। अच्छा, अपने गुरु की तरह ही वो भी कठिन रियाज किया करती थी। केसरबाई केरकर लगातार 10-10 घंटे रियाज करती थी। यही वजह थी कि अल्लाहदिया खां के साथ वो तब तक रही जब तक उस्ताद जीवित रहे। 26 साल तक अपने गुरु के साथ गुरु शिष्य परंपरा को निभाने के बाद, संगीत सीखने के बाद जब उस्ताद का निधन हुआ, उसके बाद ही केसरबाई केरकर ने अकेले मंचीय प्रस्तुतियां देना शुरू किया। अपने गुरु की तरह ही केसरबाई केरकर अक्खर स्वभाव की गायिका रही। उन्होंने आकाशवाणी से अपने कार्यक्रम के प्रसारण की हामी कभी नहीं भरी। एक बड़ी संगीत कंपनी के साथ रिकॉर्डिंग का उनका किस्सा बड़ा मशहूर है। गानों की रिकॉर्डिंग के बाद जब उनके अप्रूवल के लिए रिकॉर्डिंग भेजी गई तो उन्हें उनमें से कुछ गाने दोबारा रिकॉर्ड करने थे। उन्होंने ये जानकारी कंपनी के लोगों को दे दी। इसी दौरान उनकी तबीयत थोड़ी नासाज हो गई। कंपनी वाले बीच बीच में आते रहे और केसरबाई केरकर उन्हें टालती रही। आखिरकार एक दिन कंपनी ने तय किया कि वो बगैर दोबारा रिकॉर्डिंग किए गाने रिलीज कर देगी। इस बात को लेकर केसरबाई केरकर का उस कंपनी के साथ बड़ा विवाद हुआ। उन्होंने कंपनी से कहा कि अब वो उनके स्टूडियो में कभी नहीं जाएंगे।
उस दौर में गायक गायिका इतने बड़े फैसले लेने से कतराते थे, लेकिन केसरबाई केरकर ने करके दिखाया। 1977 में केसरबाई केरकर ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। अच्छा, ये भी सही होगी कि इतने महान कलाकारों से सीखने के बावजूद 80 साल की उम्र तक केसरबाई केरकर ने किसी को अपना शिष्य नहीं बनाया, या फिर यूं कहें कि उन्हें कोई ऐसा मिला ही नहीं जिसे वो अपने कला के वारिस के तौर पर देख पाती। केसरबाई केरकर को गुरु रविंद्रनाथ टैगोर ने सुरश्री की उपाधि दी थी। महाराष्ट्र सरकार ने उन्हें राज्य गायिका की पदवी से नवाजा था। इसके अलावा केसरबाई केरकर को पद्मश्री और पद्म भूषण जैसे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से भी नवाजा गया। केसरबाई केरकर की एक पहचान ये भी है कि वो उसी इलाके से आती है जहाँ से भारतीय फिल्म गायकी में महान लता मंगेशकर का नाम जुड़ा है। लता मंगेशकर के मन में हमेशा से केसरबाई केरकर के लिए इज्जत का भाव रहा। यहाँ तक कि एक इंटरव्यू में जब लता मंगेशकर से पूछा गया कि उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में अगर किसी एक महान गायिका या गायक का नाम चुनना हो तो वो किसे चुनेंगी, लता मंगेशकर का जवाब था केसरबाई केरकर। रागिरी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे इन वीडियोस को लाइक कीजिए और Facebook और Twitter के जरिए भी आप हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू।